मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची की पहली खेप ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना कर दी गई। रेलवे की ओर से इसके लिए पवन एक्सप्रेस में स्पेशल बोगी लगाई गई ताकि लीची किसानों और व्यापारियों को कोई असुविधा ना हो। इसी के साथ लीची की पहली खेप मुंबई भेज दी गई है। रेलवे की इस पहल से किसान काफी उत्साहित हैं क्योंकि मुंबई में उनकी लीची की अच्छी कीमत मिलेगी। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची की खेप महाराष्ट्र के लिए रवाना होने लगी है और पहली खेप है जो पवन एक्सप्रेस से मुंबई जा रही है। हमारे साथ किसान है जिनकी ये लीची है, कहाँ भेज रहे हैं? ये मुंबई के लिए आज पहली खेप जा रही है। सबसे पहले आप ही ने लोडिंग कराया है? जी 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 हाँ। रेल प्रशासन और जिला प्रशासन ने किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका प्रयास करें क्या? नहीं, रेलवे इस बार उनके काम से हम लोग संतुष्ट है। कई मीटिंग हुई और इस बार बीपी उपलब्ध कराया गया है रेलवे। भेज रहे हैं अभी तो स्टार्टिंग है तो आज पहला दिन 51 पेटी से शुरू किए हैं। अच्छा, क्या रेट क्या कीमत मिल रही है मुंबई? ये पहला चलान जाने के बाद ही कुछ पता चलेगा क्योंकि कच्चा फल है, आप भी जानते हैं। इस बार प्रशासन ने भी लीची की ढुलाई के लिए खास इंतजाम किए हैं। रेलवे के साथ सड़क और हवाई रास्ते से भी लीची भेजने की सुविधा बढ़ाई गई। बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों में इस लीची की भारी मांग रहती है। लोगों को इंतजार था कि बाजार में मुजफ्फरपुर की शाही लीची कब आएगी। अब मुंबई के लोगों का ये इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि मुंबई से इसकी शुरुआत हुई है। इसकी पहली खेप पवन एक्सप्रेस से भेज दी गई है। वहीं इस बार लीची को विदेशों में भी भेजने की तैयारी है। इसके लिए दरभंगा एयरपोर्ट से लीची की खेप भेजी जाएगी। ये थी मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।